लोकल्स हैं वो ही बहुत कम उस गुरेज लेक तक गए हैं। फीमेल ब्लैक बियर और उनके दो बेबीज क्रॉस कर रहे थे यहाँ से। जस्ट पीछे ही पाकिस्तान है। मैं थारगल के नाम से जानी जाती हूँ क्योंकि ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड वैली है अभी तक। आप इस जगह को देख के ऐसे बोलोगे कि कहाँ ही आ गए। यूट्यूब में किसी ने ऐसे दिखाया नहीं होगा। ये है फ्रोजन रिवर। ब्लैक आईज हो तो चढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट, शूटिंग स्टोन एरिया है। बॉलीवुड एंड न्यूज चैनल्स में ऑल्सो देखा है, उससे अपोजिट ही आपको कश्मीर मिलने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्रेस। आज भी हम काका पैलेस में हैं। आज हमारा डे थर्ड है यहाँ पे और हम यहाँ से निकल रहे हैं आज श्रीनगर के लिए। एंड उसके बाद हम श्रीनगर थोड़ा सा घूमेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत सांस फूल रही है क्योंकि अभी अभी मैंने गाड़ी में सारा सामान रखा है। तो ये रही गाड़ी और ये रहा गाड़ी का सामान। तो सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, सारा शूज़ वगैरह सब कुछ पैक कर दिया मैंने। और मेरा एक हाथ बिल्कुल फ्रीज एंड दूसरे हाथ में मैंने ग्लव्स डाला है। दूसरे हाथ से रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। तो गाड़ी अभी तक कॉल स्टार्ट नहीं की है। आज टेम्परेचर ज़्यादा कम है, आज -23 और -24 है और बहुत काफ़ी ठंड भी है एंड आज ठंड ज़्यादा है गाइस। आज यहाँ पे हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है और आज गला भी ख़राब हो गया है एंड बोलने का भी दिल नहीं कर रहा है आज। तो ऐसे हो गया क्योंकि जब से हम आए हैं तब से मैं ठंडा पानी पी रही थी। और पहाड़ों का मेरे हिसाब से एक असूल है कि आप हमेशा थोड़ा नीम पानी पिएं। नीम पानी मतलब थोड़ा माइल्ड वाटर। तो मैंने, मेरे से गर्म पानी पिया नहीं जाता तो मैं बिल्कुल कोल्ड पीती थी जो बिल्कुल फ्रीज़र की तरह चिल्ड लग रहा था। जस्सी ने भी अपने ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी में सामान रख लिया है। बस एक बंदा हमारा जो बीमार है वो आ रहा है थोड़ी देर में, तब तक हम अंदर चलते हैं बुखारी के पास एंड आग देखते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है आज। आज टेम्परेचर -23 -24 होगा एंड आज ठंड पहले से ज़्यादा है क्योंकि आज मुझे फील हो रही है, कल नहीं हो रही थी। ये जैकेट सेम ही रहती है इन लोगों की। मैंने जैकेट एक्चुअली वेयर नहीं किया एक बार भी क्योंकि मुझे गाड़ी से निकलना नहीं पड़ता, वीडियो बनाने के लिए ये लोग निकलते हैं। बीप 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 एंड थैंक यू गाइस। और आज ये लड़की पूरे घर तक गाड़ी चलाने वाली है। चलो ठीक है, आज आप रेस्ट करो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे गुरेज लेक है जिसको लोकल्स ने ही बहुत कम एक्सप्लोर किया हुआ है। और मतलब यहाँ के जो लोकल्स हैं वो ही बहुत कम उस गुरेज लेक तक गए हैं क्योंकि उसका एक ट्रैक है गुरेज लेक के लिए जो मेरे हिसाब से 6 से 7 दिन का है। मैं कंफर्म नहीं हूँ इससे क्योंकि 3 से 4 दिन भी वो कहीं और का ट्रैक था, अब ये नहीं मुझे कंफर्म। बट ये उन्होंने हमें बताया था कि 7 से 8 दिन का ट्रैक रहता है एंड वहाँ पे जाना नॉट पॉसिबल एज अ टूरिस्ट। वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है बिना लोकल के क्योंकि थोड़ा मॉडरेट सा ट्रैक है वो एंड सो कल मैंने यहाँ पे भैया से जब बात की अबाउट गुरेज तो उन्होंने हमें बताया कि जो ब्लैक बियर है एंड ब्राउन बियर है वो यहाँ पे सितंबर मंथ में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। और जस्ट इनके गेट के सामने ही यहाँ से वो क्रॉस करते हैं। और पिछले ही कुछ टाइम के बात बता रहे थे अबाउट 3-4 मंथ्स पहले, सितंबर में जो टाइम था उसकी बात बता रहे थे ये कि यहाँ से ब्लैक बियर एंड उसके दो फीमेल ब्लैक बियर और उनके दो बेबीज क्रॉस कर रहे थे यहाँ से। और इन्होंने यहाँ टूरिस्ट को बॉनफायर किया हुआ था जैसे, तो यहाँ से वो लोग जब देख रहे थे ब्लैक बियर को यहाँ से उन्होंने देखना शुरू किया, लेकिन एकदम से ब्लैक बियर जो फीमेल थी वो एकदम से अटैक के लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन इन्होंने फटाफट से ये गेट बंद कर दिया और ये लोग अंदर चले गए और फिर वो भी यहाँ से आराम से चली गई। और ये गेट के अंदर से देख रहे थे तो उसको भी सेफ फील हो गया तो वो यहाँ से आराम से चली गई क्योंकि आप देख सकते हो जो सामने वाली बिल्डिंग है वो अभी बन रही है तो उससे पहले नहीं होगी वो, तो वहाँ से वो जस्ट क्रॉस कर रही थी ब्राउन ब्लैक बियर। तो यहाँ पे ब्लैक बियर
मतलब देखने को मिलेंगे आपको सितंबर में। डर भी लगता है। अभी वो रिसेंट हमें एक और बात बता रहे थे अबाउट बियर, वो ये थी कि वो बता रहे थे भैया अजाज भाई बता रहे थे कि हम लोग एक बार अपने घर पे गाय रखे थे बहुत टाइम पहले, तो वहाँ पे मतलब कि 2018-19 की बात होगी, ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो उन्होंने गाय रखी थी, तो उनकी जो गाय थी वो शाम को वापस नहीं आई, तो वो रात को ही निकल गए टॉर्च, उसी शाम को वो टॉर्च लेके निकल गए गाय को ढूंढने के लिए, और गाय कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जब वो जंगल पहुँचे तो उन्होंने टॉर्च से जैसे देखा तो एक तरफ भालू था और एक तरफ उनकी गाय। सामने आज की मेरी आउटफिट देख लो, ब्राउन, होल ब्राउन, इट्स होल ब्राउन एंड क्रीम ब्राउन बियर। अब हम गुरेज को करेंगे बाय बाय और निकलेंगे आगे के लिए। अभी मैं आपको लेके जाऊंगी अपने साथ गुरेज की फ्रोजन लेक पे, फ्रोजन रिवर पे एंड गुरेज व्यू पॉइंट पे, चलते हैं। गाइस इस पहाड़ के जस्ट पीछे ही पाकिस्तान है, वो भी मैं आपको बताना भूल गई थी, तो या जस्ट इसके पीछे। और हमारी ये जो पूरी लाइन दिख रही है ना, यहाँ पूरी आर्मी फैली हुई है, सो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेफ है हम लोग यहाँ पे। हेलो, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं थारगल के नाम से जानी जाती हूँ। मैं 2 दिन पहले गुरेज आई थी, और गुरेज वैली के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे सुंदर वैली है अभी तक की जो मैंने देखी है। मैं खुद हिमाचल से हूँ लेकिन मुझे गुरेज इतना सुंदर लगा है कि मैं चाहती हूँ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, क्योंकि ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड वैली है अभी तक की। और इसको 2016 और 17 से वैसे ओपन कर दिया गया था टूरिस्ट के लिए, लेकिन 2022 से यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आना स्टार्ट हुए हैं, और 2023 में भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए। गुरेज वैली की तरफ आते हैं तो आपको एक बस एक परमिशन के लिए आधार कार्ड चाहिए होता है, आपका कोई भी आईडी कार्ड, वैसे आधार कार्ड इज़ द मेन कार्ड जो आपका आइडेंटिटी एज आइडेंटिटी यूज़ होता है। एंड यहाँ पे आने से पहले आपकी एक दो बार चेक पोस्ट पे एंट्री होगी, और यहाँ राजधान पास क्रॉस करते ही जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनिक है। एंड हम देखते हैं कि जब खाने के लिए हमें चीज़ें आती हैं जैसे कि राजमा, आलू, मटर, जो भी आएगा सब ऑर्गेनिक आता है विद वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। एंड यहाँ पे सब कुछ हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, लाइक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिलती। मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल अच्छी है, टॉप पे यहाँ पे हेल्थ सेंटर है और हमें ज़रूरत भी पड़ी थी, और काफ़ी लोग यहाँ के हेल्पिंग भी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग लोग हैं। हम तुलेल वैली भी गए थे जो गुरेज वैली से जस्ट 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, एंड काफ़ी मज़ा आया था वहाँ के लिए भी। गुरेज आए, गुरेज की सुंदरता देखें, बहुत ज़्यादा सुंदर गांव है ये। तो ये हमारा गुरेज का थर्ड डे का थर्ड व्लॉग रहेगा, सो आई होप आपको खूब मज़ा आए। तो अभी निकालते हैं गाड़ी को और चलते हैं। सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे गुरेज व्यू पॉइंट, गुरेज लेक एंड एज वेल एज गुरेज फ्रोजन रिवर के लिए। के गांव दार्शिन गांव से हम निकल चुके हैं गुरेज व्यू पॉइंट के लिए, एंड खंडियाल व्यू पॉइंट भी है साथ में 2-3 मिनट की दूरी पे, तो हम जस्ट वहीं पे जा रहे हैं। एंड हम अभी तो होटल से चेकआउट किया है। गाइज हम एक ऐसी जगह आ चुके हैं जो अनबिलीवेबल है, मतलब आप इस जगह को देख के ऐसे बोलोगे कि कहाँ ही आ गए हैं। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, इस लोकेशन को देखने के बाद आपको एक सब्सक्राइब तो मेरा बनता है। मैं गाड़ी बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ा कर लाई हूँ डर डर के, और इस लोकेशन को एक बार देख लो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना वीडियो को। ये गाँव इस तरह से किसी ने नहीं आपको दिखाया होगा, सो लेट्स स्टार्ट। वहाँ से गाड़ी लेके आया, बिल्कुल स्टीप है एंड बड़ा सही लगा। हम सोच रहे हैं वरना भी ले आए ऊपर, पर वरना आएगी नहीं क्योंकि बीच में बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं ना। हमने 4 हाई में लेके आए थे गाड़ी हम। बाय, चलो सी यू सून, मिलते हैं जल्द जल्द।
ठीक है, ध्यान रखें सबका, फैमिली का भी, आप भी खुश रहे, हेल्दी रहे, मिलते हैं फिर जल्दी। आओ गाइस मैं आपको दिखाती हूँ जन्नत। ये है जन्नत गुरेज, ये है जन्नत गुरेज। आज दिन तक यूट्यूब में किसी ने ऐसे दिखाया नहीं होगा, और वो भी व्लॉग में। पहले हम गाड़ी का शूट कर लेते हैं क्योंकि गाड़ी का शूट ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी गाड़ी का शूट करके मिलती हूँ। यस, हम पहुँच चुके हैं इस टाइम फ्रोजन रिवर के बिल्कुल पास। तो मैं पहले हैंड ब्रेक खींच देते हैं भाई, अभी चलते हैं फ्रोजन रिवर के पास। एंड ये रही हमारी गाड़ी, ये रही फ्रोजन रिवर। ओ भाई व्हाट इज दिस, सब कुछ जम गया है, आप जरा ध्यान से देखो, सब कुछ जमा हुआ है, रिवर बिल्कुल जमी हुई है। -20 में यही हालात रहते हैं, पानी बिल्कुल जम जाता है। और यहाँ पे छोटा सा गांव भी है, तो देखो रिवर का हाल ये हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब बिजली जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वो भी थोड़ी टफ है, ठीक है। एंड बात करें हम तुलेल वैली की, तो तुलेल वैली में 6 घंटे मात्र बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। एंड यहाँ पे हमारे गुरेज में किशन गंगा प्रोजेक्ट है जहाँ से इनको इलेक्ट्रिसिटी जाती है। पीछे में रिवर पूरी जमी हुई है। ये हालात हैं गुरेज वैली के -20 डिग्री के। ये एक्सपीरियंस गुरेज का कभी नहीं भूलेगा, हमें शुक्रिया गुरेज वालों। ये आप व्यू देख सकते हैं, फटाफट से एक शॉट ले लेते हैं रील के लिए। गाइस अभी हम पीछे रुके हुए थे एक फ्रीज वाटरफॉल के पास में, वो तो ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही फ्रीज था, और बहुत बड़ा वाटरफॉल भी था और ब्लैक आइस भी थी वहाँ पे। एंड अभी ये देखो हमारे बोनट पे भी बर्फ गिरी हुई है ये मैंने खुद गिराई थी। एंड मैं फोटो स्क्रीन पे चलाती हूँ जो मैंने अभी वाटरफॉल के साथ ली है। यहाँ से जाने का दिन है आज गुरेज से, तो जाने वाली गाड़ियाँ जाएंगी अब श्रीनगर की तरफ को, बांदीपुरा की तरफ को। और आज हमें सिर्फ वही गाड़ियाँ ऊपर देखने को मिलेंगी, या तो जो लोकल होंगे या फिर वो लोग जो आर्मी के हैं। ये तो इन्होंने फ्रेश मिट्टी डाल दी हुई है ना, तो हमें इजी लग रहा है चढ़ाना। बट अगर यहाँ पे ब्लैक आइज हो तो चढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कुछ नो चेन चाहिए, प्लस 4x4, जब ज़्यादा बर्फ होगी ऑफकोर्स निकालना मुश्किल हो जाए। राजस्थान टॉप पे जा रहे हैं हम लोग, काफ़ी स्टीफ है और यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग है ब्लैक आइस में ट्रैवल कर पाना यहाँ पे, क्योंकि एक तो हाइट स्टीप है, दूसरा आपके टायर्स ट्रैक्शन नहीं लेंगे। हाँ अगर आपका स्नो चेन है तो आप सेफ हो, बट स्टिल फिर भी काफ़ी मतलब चैलेंजिंग रहता है। और जो लोकल्स हैं वो तो यहाँ पे आपको पता है गाड़ियाँ उड़ाते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के, ये स्टोन लड़की भी नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, शूटिंग स्टोन एरिया है। एंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए पूरा पूरा। सो गाइस राजस्थान पास से हम नीचे आ चुके हैं, है ना? हाँ नीचे आ चुके हैं। बेबी है, मेरा बेबी खेलेगा मेरे साथ, मेरा बेबू खेलेगा मेरे साथ, बिस्किट खाएगा। मैं बोल रही थी कि हम पहुंच चुके हैं इब्राहिम होटल अंकल जी के पास में, और यहाँ पे हम अब खाएंगे राजमा राइस या कुछ भी ऐसा। मेरा मन तो मैगी का बहुत ज़्यादा कर रहा है, पर राजमा राइस का भी कर रहा है एट द सेम टाइम, बट देखती हूँ मैं मैगी करती हूँ कि राजमा राइस। We are going to श्रीनगर नाउ, मन बिल्कुल भी नहीं है जाने का, पर जाना ही पड़ेगा। एंड या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाइस, एक बार एक्सप्लोर जरूर करना। कैसे हो? ठीक हो? अच्छा बन गई चाय, मेरे को गर्म पानी पीना। हाँ और ठीक है, आप दूसरे भाई आज घर गए? अकेला आज अकेले? अच्छा चलो सही है।
क्या देखना, मेरे को पैर ही मारने। मैंने बोला था ना दवाई पकड़ाई थी ना सुबह, लड़ाई होगी अब। हेलो हेलो, हां भाई हां, लड़ना नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं। मैं YouTube का थंबनेल, भाइयों में लड़ाई होगी, भाइयों में हवा चली थी एंड फाइनली हमने स्नो एक्सपीरियंस कर लिया। और काफी सारी मतलब दो दो इंच तो सड़क पे ही थी, उसके अलावा दो दो फीट तो साइडों में गिरी। आपकी गाड़ी ब्लैक आइस में फंस की थी, आपकी गाड़ी फंसी करना पड़ा। नहीं फंसी कहीं भी, वरना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वेल डन जस्सी, जस्सी के नाम का एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। नहीं सभी करो सब्सक्राइब, हम मुझे लगता है कि हमें दूसरी गाड़ी लेके आनी चाहिए थी। ऐसे ही जल्दी जल्दी आपको नए नए व्लॉग्स आएंगे। ये मैं तो फुल चार्ज हो गई हूँ दोबारा से, एक बार चाय और मैगी और पानी, गर्म पानी पियेंगे। मेरा मन कर रहा है मैं एक बार उधर गाड़ी घुमाऊं, बट देखते हैं टाइम होगा तो जरूर एक बार राउंड लेंगे। बाय। कॉट ऑफ द डे, इट्स अ वैली नॉट अ रैली। अभी अभी हमने यहाँ से शॉपिंग की है आदिल भाई के पास में, और सूट भी लिए हैं, वो गाड़ी में रख दिया है ना हमने, एंड महराज भाई से भी लिया है कुर्ता, ये फेरन लिया है मैंने तो एक यहाँ से, और ये है द फैब्रिक मार्ट। यहाँ पे बहुत चॉइसेस सूट्स हैं, मतलब अच्छे अच्छे चॉइस के सूट हैं एंड बहुत ही यूनिक है, कश्मीरी वाइब्स बिल्कुल। अभी चलते हैं श्रीनगर की तरफ को, क्योंकि कम्फर्ट से हमें ए सेट चाहिए और साथ साथ उसके हमें चाहिए दो स्टॉल्स और चाहिए दादी के लिए, रह गया दादी के लिए। गाइस मुझे ना अपने आप पे और कश्मीर पे बिलीव नहीं हो रहा है, और उसका रीज़न पता क्या है, यहाँ पे अभी मैंने जितनी पीछे शॉपिंग करती आ रही हूँ, आपको पता है अभी भी मैंने ना यहाँ से केसर लिया है, और मैं दिखा देती हूँ आपको, ये मैंने केसर लिया है यहाँ से, एंड ओरिजिनल वैसे पंपोर में बनता है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होती है, लेकिन लोकल्स ही इनको देखे गए हैं यहाँ पे, तो मुझे था कि एक बार मैं आपसे शेयर करूँ। और जब से मैं शॉपिंग करती आ रही हूँ ना पीछे से, एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने हमें चाय के लिए नहीं पूछा होगा, या बैठने के लिए, रहने के लिए रात पूछा। यार बाय गॉड, कश्मीर के लोगों का दिल इतना बड़ा है ना, मतलब अगर कोई गरीब से गरीब भी है, अगर अमीर से अमीर भी है ना, सबने हमें एक जैसा इक्वल ट्रीट किया है। हर किसी ने मुझे चाय पूछी, इतना प्यार दिया, आप हिमाचल से आए हो, आप मतलब व्लॉगिंग करते हो, आप है ना गाड़ी चलाते हो, मतलब बहुत बातें हुई। मुझे लगा एक बार मैं ना एक पल के लिए आपसे ये बात शेयर कर लेती हूँ पहले, फिर मैं भूल जाऊंगी, तो मैंने सबसे पहले ना ये कैमरा खोल के आपसे शेयर करने की सोची। तो बहुत पोलाइट लोग हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट, और मतलब हर चीज़ में ना आइए बैठिए चाय पीजिए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जो आज दिन तक हमने डॉक्यूमेंट्रीज में और अपनी मूवीज में, सो कॉल्ड बॉलीवुड एंड न्यूज़ चैनल्स में आल्सो देखा है, वैसा शायद उससे अपोजिट ही आपको कश्मीर मिलने वाला है। कश्मीर सच में बहुत सुंदर है, बहुत 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 ज़्यादा। कश्मीर के लोग उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं, मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं ये लोग, और इनमें सच में बहुत मोहब्बत है। हर जगह पांचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं हमारी, कुछ लोग अच्छे और कुछ लोग बहुत अच्छे और कुछ लोग थोड़े अच्छे होते हैं, बस फर्क इतना होता है अपनी इंटेंशंस अच्छी रखनी है, गुड रखनी है। एंड अभी टाइम हो गया है 3:45 और हम यहाँ से निकल रहे हैं श्रीनगर के, यहाँ से श्रीनगर रह गया है मेरा 38 किलोमीटर मात्र, और फिर बस श्रीनगर से जम्मू के लिए हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, और फिर तो हम निकल जाएंगे अपना जम्मू क्रॉस करके, फिर हम पठानकोट के लिए निकल जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब वही हम 11-12 बजे तक तो घर पहुँच ही जाएंगे, 12 नहीं तो 1 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे, यानी कि ऊना पहुँच जाएंगे। बाकी तो देखते हैं, धुंध ना हो रास्ते में, पंजाब के एरियाज में बहुत ज़्यादा धुंध रहती है, तो वहाँ पे स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी। बाकी देखते हैं, अभी तो मैं रेस्ट कर रही हूँ, मेरे को थोड़ा फीवर आ गया है और मेरा गला भी ख़राब हो गया है, बट अभी मैंने मिर्ची वाली मैगी खाई थी इब्राहिम भाईजन के साथ में, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, उसमें हमने स्पाइस करा रखा था फुल। तो चलो ठीक है, अभी देखते हैं कुछ और नज़ारे तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। चल हिमाचल चलेगी चलेगी, चल चल चल। हम पहुंच गए हैं इस टाइम श्रीनगर के मेन हाईवे पे हैं, अब ये जम्मू के लिए हाईवे, वहां पहुंच चुके हैं हम, एंड मेरी हालत बहुत खस्ता हो गई है, आई कांट एक्सप्रेस, मेरी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है, दिमाग मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है इस टाइम पे, हाथ पैर मेरे ठंडे हैं एंड बुखार हो रहा है बस, एंड गला ख़राब हो रहा है, पर मैं कहीं जम्मू में रुक के जब चाय पानी पियेंगे हम कुछ
कुछ भी, तो उस टाइम पे मैं एक टेबलेट ले लूँगी एंड फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ जी, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम पहुँच गए हैं श्रीनगर के उस रोड पे जिस पे गाड़ी दौड़ाने के लिए हर कोई तरसता है, और आप ये देख सकते हो, यहाँ की वाइब चेक कर सकते हो। बाय गॉड, ये उस दिन मैं आपको रात को दिखा नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा उस टाइम धुंध धुंध थी, तो अब ये आप देख सकते हो भाई क्या नजारा है ये। वो अगेन वेलकम बैक टू हिमाचल। तो हम हिमाचल पहुंच गए हैं और यहाँ पे ये देखो आपके सामने टाइम देख लो क्या हो रहा है। इस टाइम हो रहा है 1 बजे, पूरे 1 बज रहे हैं और हम लोग फाइनली हिमाचल पहुंच चुके हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि रास्ते में काफ़ी धुंध मिली हमें, और धुंध भी मिली एंड अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। नींद से ज़्यादा तो पता क्या चीज़ है, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है एंड उससे शरीर टूट रहा है, बुखार वगैरह हो रहा है। तो अभी ना चल के थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर बात करते हैं। एंड पहली बात, मैं इस व्लॉग को तो यहाँ पे एंड कर दूँगी एंड फिर एक पूरी श्रीनगर वाली वीडियो में मिलेंगे जिसमें अबाउट जम्मू एंड कश्मीर सारी बात करेंगे। सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं जल्दी किसी और नए व्लॉग के साथ।